एक्सक्यूज मी भाया, हमें एक शॉट लगाने दीजिए। बैक गाइस, फिर से आ चुके हैं आपके लिए धमाकेदार व्लॉग लेके। तो आज हम जा रहे हैं रामदास कॉलेज, उसमें हो रहा है दिवाली मेला और ये लास्ट मेला है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इसमें जाना तो बनता है। आगे भी है कुछ मेले लेकिन वो लड़कियों के, तो हमारी एंट्री नहीं है उसके अंदर। तो चलो आप, आपको रामदास लेके चलते। ये देखो, ये आ गया रामदास, ये इसकी पार्किंग है। अभी एंट्री लेके फिर आपसे मिलते हैं। अब हम अंदर एंटर हो गए भाई, और ये देखो यहाँ पे भी रोजाना चेक करो, यहाँ पे भी चेक करो, चेक कर। हमारा नया दोस्त, मतलब ब्लॉग में नया है। और ये देखो डेकोरेशन, हमें कुछ भी नहीं पता कहाँ जाना है, तो हम डायरेक्ट ग्राउंड में जाते हैं। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, स्वागत। ये हमारा स्वागत करते हुए रामदास कॉलेज वाले, और हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे पटाखे हैं, तो जवाब मिल गया हमें। भाई आगे ब्लॉग खराब नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और एंट्री लेते हुए हम, जिसने टूर वाला ब्लॉग नहीं देखा वो देख लेना कौन सी जगह कहाँ पे, तुम्हें पता चल जाएगी। और सी यू टी स्कोर भी पूछा था, वो ही पता चल जाएगा। इंजीनियरिंग को पकड़ो, पहले गार्ड जो लॉन टाइप है वहाँ घुस गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉल टाइप लगे हैं, देखो स्टॉल दिखाते हैं। 500 तो बनी जाएंगे। ओ भाई भाई, बोले चटूरे खाने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे ही उठते हैं। कुछ भी हो जाए, क्रिकेट बंद नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे और भी स्टॉल लगे हैं, सच ये है, देखते क्या है। कुछ खाए तो है बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, पाव भाजी। यहाँ मतलब इस साइड फूड के स्टॉल है, गेम्स वाले भी हैं कुछ। तो ये देखो गेम्स, उनका बास्केट में डालना होता है। इंशाल्लाह गर्ल प्लेड वेल, तो आगे चलते हैं। हम मिलेंगे, जल्दी सब्सक्राइब कर दो, हम मिलेंगे। और अब बैक सेकंड वाले लॉन में चलते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग सबसे पहला लॉन यही पड़ा है हमें, और इसके आगे साइड भी है और आगे भी है, तो आगे भी चलते हैं। ये सबसे फर्स्ट है, ये हम एंटर हो गए सेकंड वाले ग्राउंड में, और यहाँ पे हेरा फेरी हो रही है, पैसे को डबल और ट्रिपल किया जा रहा है। मूवी में 21 दिन में होता था, यहाँ 2 सेकंड में हो रहा है, देखते क्या हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी खाने के भी कुछ स्टॉल है, और जैसे हमने अपने यहाँ देखा था DND वाला, आपने तो नहीं देखा, अभी मैं डालूंगा उसको, KMC वाले में भी पानीपुरी आए थे, यहाँ पे भी वही है शायद। और यहाँ पे फ्रूट चीज जो नॉर्मली आपको हर जगह देखने को मिलेगी, यहाँ कुछ पटाखे हैं, मतलब लड़के हैं, जो तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएगी। और ये जो विलन वाला, ये भी मतलब वहाँ पे भी देखने को मिला था, और ये बाइक वाला भी हर जगह तुम्हें देखने को मिला ही था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रुक जा, देखते क्या हो रहा है। और यहाँ पे गाड़ियों में फोटो खींची जा रही है, अब हम जा रहे हैं मेन वाले ग्राउंड में, ठीक है। दिख रहा होगा, सब ऐसा लग रहा है, और इस साइड क्लासेस है, जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा था रामदास स्कूल वाला वो देख लेना। बाकी अब हम मेन वाले ग्राउंड में एंटर होने वाले हैं। गाइस, ये वाला देख रहे हो, ये मैंने 20 रुपए में 6 शॉट्स मारे।
और यहाँ पे अंकल 50 रुपये में 6 दे रहे हैं। तो दिस इज बिजनेस कमाने के लिए, ठीक है। तो हम इसे ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कैसा है। आपको ये नहीं बोलेगा तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम इसलिए ट्राई नहीं कर रहे हो। नहीं, हम बस थके जाने का वो नहीं कर, दुख नहीं देना चाहते इसलिए। और बंदे खेल भी रहे हैं। अरे भाया, पैसा बहुत है बंदों का। एक्सक्यूज मी भाया, हमें एक शॉट लगा दीजिए। ये आई ना अब दिवाली मेले वाली वाइब। अब यहाँ पे ये फोड़ के हमें ये फोड़ना है। बस झूले नहीं लगे, बस झूले नहीं लगे यहाँ पे, बाकी सब एकदम मेले वाली वाइब दे रहा है। वहाँ पे लौंडे अभी भी बास्केटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पे अंकल फुला रहे हैं। देखो अंकल की मेहनत देखते अगर खेलते हैं तो। बाकी तुम्हें तो पता है हमारा दोस्त लोअर पे लगाएगा, हमारा दोस्त जुए में चलाएगा। हमारा दोस्त करीम जुएबाज बन चुका है। और यहाँ पे ये देखो अंकल पहले खुले देते हैं फिर ये पैसे वापस ले लेते हैं। यह है 5,009। ये देखो खत्म। इसे कहते हैं किस्मत। रात रात में पैसा नहीं, रात रात में क्या, मिनट मिनट में पैसा डबल। इसे लगाए 50। मजा आ रहा है। देखा ये होती है किस्मत। ये वाला गेम देखो, इस यहाँ पे पैसे रखे हैं बकायदा। तो गाइस हमें इस वाली बॉल से ये गिराना है और वन टाइम में, और हमें 200 रुपये मिलेंगे, बस 50 रुपये देने हैं। देखते हैं ये भैया गिरा पाते हैं नहीं। थोड़ा दूर जाते हैं, देखते हैं गिरा पाते हैं। पचास रुपये गए भाई के। पैसा अपने एक बार फिर से और कराने आए। ये देखो ये देख रहे हो, जब किस्मत ऐसी हो तो क्या कर सकते हैं। अब सही पैसे कमा रहे भाई रामदास वाले। क्या मतलब ये रामदास, तुम्हें ये सब देखने को मिले। तो भाई देखो ये वाली गेम थी और करीम भाई माला माल हो गए। ये देखो भाई सिस्टम हैंग हो गया भाई, देख रहे हो। मतलब अब क्या कहें किस्मत भाई की। और ये मेला आगे बढ़ते हुए पता नहीं कोई प्रोग्राम कब शुरू होगा, अभी तो खाली लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और गेम ही खेल रहे हैं। वो देखो वीडियोस ही ले रहे हैं बस। आप इतना देख लिया कि मुझे बुरा लग गया बंदों की, बंदे जीत नहीं पा रहे। कसम से भाई बहुत पैसे आते हैं बंदे। ये देखो अभी भी स्टार्ट ही होता है, दिख रहा है तुम्हें, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। वो 500 वाले भैया यहाँ पे भी आ गए और लोग फोटो ही ले रहे हैं बस। कोई प्रोग्राम सा होता हुआ नहीं दिख रहा हमें। प्लेयर ट्राई करते हुए पचास रुपये फिर गए। अब हम जा रहे हैं घर, मतलब वापस इधर जा रहे हैं। इतना कुछ अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे सॉन्ग बजते हुए दिख तो रहे हैं, देखते हैं कुछ क्या हो रहा है। इस वाले गार्डन से स्टार्ट की थी और इसके सामने एक और था ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर हम नहीं गए थे क्योंकि इसके अंदर थोड़े अब दिख ही रहा होगा तुम्हें, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मतलब पहली एंट्री यही थी, लेकिन हमें मिस करने का गम नहीं है। चलते हैं वापस, पता नहीं यहाँ पे प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगी कुछ नहीं पता। तो हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें लगी है। तो भाई हम ना घर जा रहे थे तो हमने देखा कि लाइट आ चुकी है कैंटीन में। तो ये चीज़ हम बिना देखे कैसे जा सकते हैं यार। रामदास की कैंटीन के अंदर लाइट आ गई है, देख के आते हैं भाई। अजूबा भाई कैसे हो गया ये, यकीन सा नहीं हो रहा।
देखते हैं। क्या मतलब आप लाल मेला ऐसे बुलाया है तो बाहर के कॉलेज आएंगे? क्या मतलब सिर्फ हमें दिखाने के लिए है या फिर इनका प्रिंसिपल हमारे ब्लॉग देखते हैं? हालत तो भैया अभी भी बस लाइट आ गई है, बस जिस हिसाब से हम आए थे उस हिसाब से हम जा भी रहे हैं। कोई भी रामदास में हमने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, चुपचाप आए थे और चुपचाप जा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कौन से प्रोग्राम कब स्टार्ट है, इसलिए हमारा रुकने का कोई वो भी नहीं बनता, क्या पता हो ही ना और हम इंतज़ार करते रह जाएं। जैसे कि और कॉलेजों में इंतज़ार किया, जैसे हिंदू में मैंने पूरा नहीं किया था लेकिन डांस तो दिखा दिया था सबका, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ नहीं है, फिर भी शायद हमारे कॉलेज की तरह ही हो रहा हो केएमसी में भी, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, खाली स्टॉल लगे थे, बाद में स्टार्ट हुए थे फंक्शन। कोई नहीं, अब हम सीधा घर चलते हैं। इतना ज़्यादा बोली मेरे ब्लॉग देखती नहीं है इसलिए रामदास के मेले में आ रही है। क्या मतलब तुम भी तो आए हो, चुप हो जाओ। हम वापस निकलते हैं बाहर। देखो आई हम बाहर निकलते हुए कॉलेज से, ये सस्ता है, सब दिखाया है। समझ जाओ, तो बस भाई आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट मिलते हैं जो मैं दिवाली मनाऊंगा अपने घर पे उसका व्लॉग में, या फिर उससे पहले अगर मैं कुछ कर्म कांड करता हूँ तो उसके अंदर, वरना डायरेक्ट अब दिवाली व्लॉग देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। सॉरी यार, तुम बोलोगे कि ज़्यादा देर तक रुके नहीं, शाम तक रुकना था, ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, तो यार लेट हो जाता है, फिर कुछ घर पे भी काम होते हैं, इसे ज़्यादा भी खा नहीं पाता। जब थर्ड ईयर में मैं अच्छे एकदम प्रोफेशनल वाला ब्लॉगर बन, जब थर्ड ईयर में मैं एकदम खतरनाक वाला ब्लॉगर बन जाऊँगा ना, कि पूरा ब्लॉगिंग को ही टाइम दूंगा। अभी मैं और भी काम होते हैं, लाइक होमवर्क भी होता है और मैं कोचिंग पढ़ाने भी जाता हूँ, तो वो सब भी काम होते हैं, कर लेना, एडजस्ट कर लेना। बाकी जो मेन मेन होता है वो तो दिखा दूंगा यार। और अभी टूर भी बचे हैं काफ़ी सारे, अभी साउथ कैंपस में एक ही दो कॉलेज गए, सत्यवती भी गए थे, मैंने उसकी चीज़ें बनाई थी लेकिन फिर वो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मैंने डाली नहीं। नेक्स्ट ब्लॉग में जीती है ये बाइक, बाइक जीत गए 10 लाख की EMI पे। तो आपको कैसा लग रहा है बाइक जीत के? मजा आ रहा भाई, माशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, बहुत बढ़िया। तो पार्टी बनती है? बिल्कुल।